दिखा देते हैं कि बुधवार को यानी कि कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। अच्छी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस पूरे हफ्ते अब तक खरीदारी ही की है 1436 करोड़ कैश स्पेस में, 370 करोड़ एफएनओ स्पेस में, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1380 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखी है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत आज हमने मार्केट में बनते हुए देखे हैं, हमारे मार्केट्स में ट्रेडिंग रणनीति क्या हो सकती है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। पहला तो अभी बग्गा सर से वैसे हम बात कर ही रहे थे, लेकिन ये यूएस फेड के फैसले के बाद जिस तरह से अमेरिकी बाजारों की पिटाई हुई है, हमारे मार्केट्स भी क्या वैसा ही असर दिखाएंगे आज? गुड मॉर्निंग। हम बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भारतीय बाजार भी अमेरिकी बाजारों की तरह ही आज थोड़े कमजोर रहेंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह की कमेंट्री फेड ने की है उसकी, और जिस तरह का उसके बाद मार्केट का रिएक्शन आया है उसको देखते हुए बाजार गिरने चाहिए। और ऑलरेडी पॉजिशन में जाने के पहले बाजार काफी मजबूत रहे हैं, तो गिरने के लिए जगह भी है। और स्पेशली जब आप 18,100-18,200 की रेंज में, जहां पर थोड़ी सी ऊपर के लिए उत्तर रुकावट की जगह है, वहां पर पहुंचे और वहां से एक पूरा आपका अक्टूबर का महीना काफी मजबूत रहा है और अच्छी तेजी बनी है, वहां से करेक्शन की जगह है और उस हिसाब से भारतीय बाजार भी पूरा का पूरा रिएक्शन देंगे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि शायद हम उतना कमजोर ना हो, थोड़ा कम कमजोर हो, क्योंकि पिछले 5-7 दिनों में एक चीज जो नेहा बदली है वो ये कि भारतीय बाजार इतने ज्यादा बढ़े नहीं। पहले हम अमेरिका बढ़ता था तो उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाते थे, गिरता था तो कम गिरते थे, लेकिन पिछले 5-7 दिनों में हमने एक काम किया कि हम बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, दाव में अमेरिका में ज्यादा मजबूती दिखी, तो उस लिहाज से हमारे लिए गिरने की जगह कम रहेगी। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिकी बाजारों के रिएक्शन पर भारतीय बाजार आज थोड़े कमजोर तो रहेंगे। ओके, तो सर फिर ऐसी स्थिति में निफ्टी, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस, इसमें कोई बड़ा बदलाव? थोड़ा सा है और कोई खास बात नहीं, जिसकी 2-3 दिन से मैं और दीप हमेशा सुबह चर्चा करते हैं कि 17,825 से लेकर 17,900 की रेंज वो है जहाँ पर बाजार ने एक थोड़ा सा गैप छोड़ा है और वो गैप पूरा करने के लिए बाजार आएगा, और मुझे लगता है वही रेंज एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगी। और उस रेंज में आने पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खरीदारी करनी चाहिए, डरने की बात नहीं, उस लेवल पर खरीदारी भी कर सकते हैं, कोई इस वजह की बात है नहीं। सो ये सपोर्ट रेंज है, एक बार यहाँ पर खरीदारी करके आप 17,700 को स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं, तो 18,200 के आसपास से, 18,175 से अगर आप 17,800 के आसपास आते हैं तो ठीक ठाक सा करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ग्लोबल मार्केट क्या कोई और कमजोर होते हैं। और आपको देखिए कल गिरावट के बाद कोई आज डाउ फ्यूचर्स वगैरह में इतना पैनिक जैसी सिचुएशन दिख नहीं रही है, सो आई थिंक वो एक अच्छी रेंज है जहाँ पर खरीदारी होगी। रहा सवाल ऊपरी स्तरों का, तो हम बार बार 18,175 के आसपास 2 दिनों से रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाजार रुकते हुए नजर आएंगे। वो एक लेवल होगा जिस पर आपको ऊपर के लेवल पर नजर रखेंगे, 18,175। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,000 के नीचे खुलकर हम थोड़े कमजोर होंगे, 40,650-40,850 ये मजबूत सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। असली कमजोरी 40,500 के नीचे से शुरू होगी, जो मैं समझता हूँ कि शायद हम होल्ड कर जाएं। ऊपरी स्तरों पर 41,300-41,500 की रेंज 200 पॉइंट की जो है बार बार रुकावट का काम कर रही है, और यहाँ पर वापस हम आजकल में सिर्फ कभी पहुंचते हैं तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार चाहिए।